जब मैं इसार में नौवीं क्लास में पढ़ा करता था, नौवीं दसवीं मैंने कैंपस स्कूल से करी, फिर ग्यारहवीं बारहवीं डीएन कॉलेज से करी। उस टाइम छोटा सा बच्चा था, शर्मीला, पढ़ाई में अच्छा था, फर्स्ट आया करता था। और ग्यारहवीं बारहवीं में पूरे हरियाणा में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में छठी पोजीशन आई थी मेरी, ग्यारहवीं में भी बारहवीं में भी। उस टाइम जिंदगी में नहीं सोचा था कभी राजनीति में जाएंगे। उस टाइम कभी दूर दूर तक सपने में नहीं आया था कि किसी दिन भगवान इस पोजीशन पे ही इधर पहुंचा देगा। लेकिन भगवान की अपनी माया है जी, जिंदगी का क्या पता चलता है, भगवान कहीं भी ले जाता है जिंदगी को। फिर मैं हरियाणा से आईआईटी गया इंजीनियरिंग करके, फिर दिल्ली मेरी कर्म भूमि बनी। आज यहां पे मेरे इतने रिश्तेदार बैठे हैं, इतने दोस्त बैठे हैं, भाई भतीजे बैठे हैं। एक ही बात कहना चाहूंगा, मैं जहां भी गया हरियाणा से, आपका सिर झुकने नहीं दिया मैंने, हरियाणा का सिर ऊपर रखा। दिल्ली में आज जितने काम कर रहा हूं मैं, दिल्ली के इतने स्कूल ठीक कर दिए, स्कूल शानदार कर दिए। सुना आपने दिल्ली के स्कूल अच्छे हो गए? दिल्ली के स्कूल इतने अच्छे कर दिए, सारे कहते हैं हरियाणा का छोर आया है। दिल्ली के स्कूल हमने इतने शानदार कर दिए, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, पूरी दुनिया में। दो साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति दिल्ली आए, उस टाइम अभी तो जो बिडेन है, उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप होते थे राष्ट्रपति, अपनी धर्मपत्नी के साथ आए थे, मिलेनिया ट्रंप। जब वो दिल्ली आए, मिलेनिया ट्रंप बोली, भाई मैंने केजरीवाल के स्कूल के बारे में बहुत सुना, मैं केजरीवाल का स्कूल देखने जाऊंगी। बड़ी बात है भाई साहब, है कि नहीं है? बोली, मैंने केजरीवाल के स्कूल के बारे में सुना है, मैं केजरीवाल का स्कूल देखने जाऊंगी। मोदी जी ने बहुत समझाया, बहन मान जा, जिद ना कर, तेरे को मैं दूसरे स्कूल दिखा देता हूं, केंद्र सरकार के दिखा देता हूं, दूसरे राज्य सरकारों के दिखा देता हूं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा में स्कूल बंद कर दिए। मैं आऊंगा, मैं बात करूंगा उसके बच्चे, चिंता ना करो। वो ये कह रहे हैं हरियाणा में स्कूल बंद कर दिए, मैं उसकी बात करूंगा, चिंता ना करो, बैठो बैठो बैठो, मैं उसकी बात उठाऊंगा उसकी। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी दिल्ली के स्कूल देखने के लिए आई। अमेरिका का राष्ट्रपति पूरी दुनिया में घूमता है, उसकी पत्नी उसके साथ घूमती है। किसी देश में मिलेनिया ट्रंप किसी का स्कूल देखने नहीं गई, दिल्ली के अंदर केजरीवाल के स्कूल देखने के लिए आई भाई साहब। वैसे तो पूरे देश का सर सीना चौड़ा हो गया कि अमेरिका की राष्ट्रपति हमारे स्कूल देखने आई, सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन हरियाणा वालों का ज्यादा सीना चौड़ा हुआ। हरियाणा का लाल, हरियाणा का छोरा, आपका अपना, हमने दिल्ली के अंदर अस्पताल बड़े सरकारी अस्पताल इतने शानदार कर दिए, इतने अच्छे कर दिए सरकारी अस्पताल, एयर कंडीशन्ड, सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, सारे टेस्ट मुफ्त कर दिए। आपका 10 रुपए का खर्चा हो चाहे 20 लाख रुपए का खर्चा हो, सारा इलाज मुफ्त है दिल्ली के अंदर, चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, सबका इलाज मुफ्त है भाई साहब, सबका इलाज मुफ्त है। मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए जगह जगह,
मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए नॉर्वे की प्रधानमंत्री आई, नॉर्वे की प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए, और बोली अपने मीडिया में कि केजरीवाल जैसे मोहल्ला क्लिनिक पूरी दुनिया में खुलने चाहिए। दिल्ली में हमने बिजली 24 घंटे कर दी, दिल्ली में हमने बिजली मुफ्त कर दी, बिजली मुफ्त कर दी, बिजली 24 घंटे कर दी, ये जादू है भाई साहब, मुफ्त बिजली और 24 घंटे बिजली, ये ऊपर वाले ने वरदान दिया है केवल केजरीवाल को कि भाई यही कर सकता है, मुफ्त भी कर सकता है और 24 घंटे भी कर सकता है, ये वरदान और किसी को नहीं मिला, केवल मेरे को मिला हुआ है, ऊपर वाले की दया है, ऊपर वाले की कृपा है, मैं मुफ्त भी बिजली देता हूं और 24 जीरो भी लाते हैं। और दिल्ली में पिछले 5 साल में भाई साहब 12 लाख बच्चों को मैंने रोजगार दिलवाया है, 12 लाख बच्चों को। अब मेरा भाई है भगवंत मान, पंजाब का मुख्यमंत्री बना है, इन्होंने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है सारे सरकारी दफ्तरों से। अब आप किसी दफ्तर में चले जाओ, इन्होंने कर दिया कोई पैसे मांगे जेब में हाथ डालो, अपना मोबाइल ऑन कर लो, इनके पास रिकॉर्डिंग भेज दो, अफसर 24 घंटे के अंदर सस्पेंड कर दिया जाता है, किसी की हिम्मत नहीं है पैसे मांगने की। अभी इनकी सरकार को 6 महीने भी नहीं हुए, 100 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए और भाई साहब जीरो बिजली के बिल इनके यहां भी आने लग गए। मैंने अपनी विद्या इनको भी सिखा दी, 24 घंटे बिजली और जीरो बिल आने लग गए पंजाब में भी, स्कूल भी ठीक करने चालू कर दिए इन्होंने। अब मैं हरियाणा वालों से कह रहा हूं, पूरी दुनिया के स्कूल ठीक करता घूम रहा हूं मैं, पूरी दुनिया के अस्पताल ठीक करता घूम रहा हूं मैं, पूरी दुनिया में मोहल्ला क्लिनिक बनाता घूम रहा हूं मैं, पूरी दुनिया की बिजली मुफ्त करता घूम रहा हूं। हरियाणा वाले तुम भी करा लो मेरे से, भाई मेरी जन्मभूमि है, मेरा अपना ही राज्य है, मेरा अपना ही गांव है, आप क्यों नहीं कराते मेरे से? हरियाणा के भी स्कूल ठीक करा लो, वो खट्टर साहब रोज स्कूल बंद करते घूम रहे हैं, वो बच्चा अभी खड़ा होकर चिल्ला रहा है, सरकारी स्कूल बंद करते घूम रहे हैं, बताओ सरकारी स्कूल बंद कर देंगे काम आदमी अपने बच्चों को कहां भेजेगा? 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं हरियाणा के सरकारी स्कूलों में, कबाड़ खाना बना रखा है सरकारी स्कूलों को इन्होंने, है कि नहीं है? मजबूरी में भेजता है काम आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में, 2 पैसे आ जाएं आदमी प्राइवेट में भेजता है। दिल्ली में हमने उल्टी गंगा बहा दी, दिल्ली में भाई साहब पिछले 2 साल में 3 साल में 4 लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट से कटवा के सरकारी स्कूल में करवाए हैं, बड़ी बात है। अब अमीर लोग भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से नाम कटा कटा के सरकारी स्कूल में करा रहे हैं दिल्ली के अंदर। हरियाणा में भी करा लो यार मेरे से, ये मैं कर दूंगा, हरियाणा में भी, हरियाणा के स्कूल भी ठीक कर दूंगा, करने आते हैं मेरे को, हरियाणा के स्कूल ठीक करा लो। प्राइवेट स्कूलों को ठीक कर दिया मैंने दिल्ली में, पहले हर साल फीस बढ़ा दिया करते थे, अनाप शनाप डेवलपमेंट फंड, पिकनिक फंड, लाइब्रेरी फंड, फलाना फंड, ढिमका फंड, सारे फंड बंद कर दिए। हमने कहा खबरदार कोई फीस बढ़ाएगा तो, सारे स्कूलों की ऑडिट करा दी प्राइवेट वालों की, चुप हो गए सारे, घर जाके बैठ गए। थोड़ा सा हरियाणा के लिए भी मेरे से काम करा लो यार, आपका ही छोरा हूं। पूरे ये बता रहे हैं कि इनके पास सिफारिशें आती है, भगवंत जी कह रहे हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दो जी, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराने की सिफारिश नहीं आती, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराने की सिफारिश आती है। अपने को सरकारी स्कूल बहुत बढ़ाने हैं, बंद नहीं करने हैं, और उनको शानदार बनाना है। ये बंद कर देते हैं, कहते हैं जी बच्चे कम हो गए, बच्चे कम क्यों हो गए?
तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, टीचर है नहीं, बेड़ा गर्क कर रखा है सरकारी स्कूलों का, कौन भेजेगा अपने बच्चों को? आज शानदार बना दो सरकारी स्कूलों को, देखो जनता भेजनी चालू करेगी। स्कूल ठीक करने हैं, शिक्षा ठीक करनी है, अस्पताल ठीक करने हैं। दिल्ली में जैसे मैंने अस्पताल ठीक कर दिए, भगवंत मान जी ने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। ये मोहल्ला क्लिनिक हरियाणा वाले तुम भी बनवा लो मेरे से, मेरे को आते हैं बनाने। बिजली मुफ्त चाहिए नहीं चाहिए? किस किस को चाहिए हाथ खड़े करके बता दो, ये कैमरे वाले दिखा दो जरा सी। सारों ने सबको मुफ्त बिजली चाहिए, कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। ये एक एक मंत्री, इनका एक एक मंत्री को 4,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने, वो फ्री की रेवड़ी नहीं है। केजरीवाल ने 300 यूनिट मुफ्त दे दी लोगों को, कहते हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। अरे पैसे चोरी तो नहीं कर रहा मैं, स्विस बैंक में तो नहीं ले जा रहा, जनता में ही बांट रहा हूं। जनता की सीस मिलती है, करोड़ों लोगों का मुफ्त इलाज कर दिया मैंने दिल्ली में। मेरे पास क्या है जी, फक्कड़ आदमी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, ना मेरे बैंक अकाउंट में पैसा, ना हमारी, इन्होंने CBI भी भेज ली, ED भी भेज ली, कुछ नहीं मिला, मेरे पास कुछ नहीं है। बस जनता की दुआएं हैं, जनता का आशीर्वाद है, जो करोड़ों लोगों का इलाज कराया, जिन लाखों लोगों के बच्चों को हमने अच्छी शिक्षा दिया, उनका आशीर्वाद है हमारे साथ। तो दोस्तों 2 साल बाद हरियाणा का चुनाव है, एक मौका अपने लाल को देके देख लो, एक मौका केजरीवाल को एक मौका दे दो, हरियाणा को ना बदल दो तो मेरे को लात मार के हरियाणा से बाहर फेंक देना, दोबारा हरियाणा में नहीं आऊंगा। मंजूर है? 2 साल बाद चुनाव है, लेकिन उसका ट्रेलर अभी है, उसका ट्रेलर अभी है। हम आदमपुर में बैठे हैं, आदमपुर का चुनाव 3-4 महीने बाद है। अभी जो आपका मौजूदा विधायक है, मेरे को बताया गया 1998 से 24 साल से विधायक है वो, उसने कुछ अच्छा काम कराओ तो उसको वोट दे देना, और नहीं कराओ तो इस बार बदलाव लाना है, इस बार अपने को चेंज लाना, परिवर्तन लाना है। 2019 में हम पंजाब में एक सीट जीते थे, भगवंत मान जी जीते थे, संगरूर से एक सांसद बने थे 2019 में। 2022 में हमारी सरकार बन गई पंजाब के अंदर। आज 2022 में आदमपुर की सीट जिता दो, आपको यकीन दिला रहा हूं 2024 के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बन गई। एक टाइम था जब आदमपुर की टोर होती थी पूरे हरियाणा के अंदर, चौधराहट थी, थी कि नहीं थी? आदमपुर की चौधराहट होती थी पूरे हरियाणा में, नाम था आदमपुर का, कहां गई टोर? इस बार आम आदमी पार्टी को जिता दो, पूरे देश में, चेन्नई में, वेस्ट बंगाल में, असम में, केरला में चर्चे हो जाएंगे, आदमपुर में केजरीवाल की पार्टी जीत गई, आदमपुर में सारी दुनिया जान जाएगी, नक्शे पे आदमपुर भी है, सारी दुनिया जान जाएगी, चौधराहट वापस आ जाएगी, और आदमपुर गेट होगा, उस गेट के जरिए आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर 2024 में सरकार बनाएगी। और आज मैं इस मंच से खासकर जितने मेरे युवा बच्चे हैं, युवा भाई हैं, युवा बहने हैं, उनको अपील करना चाहता हूं, आपको लगना पड़ेगा, नई राजनीति लेके आनी है, ये पुरानी राजनीति खत्म करनी है। इन लोगों ने लूट लिया अपने को, सारी पार्टियों ने मिलके, ये चाहे ये पार्टी हो चाहे वो पार्टी हो, अपने घर भरने के सिवा इन्होंने कुछ नहीं करा। आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, नए चेहरे हैं, नई ऊर्जा है, नए विचार हैं, नए विचार लेके आओ, नया हरियाणा बनाएंगे सारे जने मिलके। कुछ लोग बोले मेरे को, यहां बिश्नोई इतने हैं जी, जाट इतने हैं जी, बनिए इतने हैं जी, ब्राह्मण इतने हैं जी। मैं पूछना चाहता हूं, सबको अपने बच्चे पढ़ाने हैं नहीं पढ़ाने हैं? पढ़ाएगा तो केजरीवाल ही,
सबको मुफ्त बिजली चाहिए नहीं भी चाहिए, मुफ्त बिजली देगा तो केजरीवाल ही। तो चाहे आप बिश्नोई हो, चाहे आप जाट हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप बनी हो, आपके बच्चों को नौकरी और शिक्षा तो केजरीवाल ही दे सकता है जी। बाकी सबको आजमा के देख लिया आप लोगों ने। एक और जरूरी बात आज आपसे करना चाहता हूं। इतनी महंगाई हो रही है, चारों तरफ महंगाई हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है? दुखी हो कि नहीं हो महंगाई से? मैं कई लोगों से पूछता हूं भाई महंगाई क्यों हो रही है, बोले जी अपने आप ही हो रही है। अपने आप ही हो रही है? अपने आप कैसे हो रही है जी महंगाई? बोले जी भगवान ने कर रखी है। बताओ भगवान का बैर है क्या आपसे? भगवान महंगाई क्यों करेगा? क्यों हो रही है महंगाई? इन्होंने अनाप शनाप पिछले कुछ सालों में इतने टैक्स लगा दिए, इतने टैक्स लगा दिए। अच्छा एक चीज बताओ, यहां जितने लोग बैठे हैं टैक्स कौन कौन भरता है जरा हाथ खड़े करो। ये कई लोगों ने हाथ नहीं खड़े करे। आपको पता नहीं एक बच्चा पैदा हुआ बच्चा भी टैक्स भरता है। आप एक रोटी खाते हो, एक रोटी पे एक रुपए का जीएसटी लगता है। आप दही का प्याला खाते हो, एक कप दही जब खाने जाओ ना, अभी खाना नहीं खाया होगा सारे जने घर जाओगे, एक कप दही के ऊपर एक रुपया जीएसटी लगता है। आपने ये जितने कपड़े पहन रखे हैं इस पे टैक्स लगता है। आपका पंखा चलता है, पंखे पे टैक्स लगता है, बिजली पे टैक्स लगता है, दही पे टैक्स लगता है, शहद पे टैक्स लगता है, गेहूं पे टैक्स लगता है, चावल पे टैक्स लगता है। पिछले दिनों इन्होंने खाने पीने की सारी चीजों के ऊपर टैक्स लगा दिया, इतना टैक्स, इतना टैक्स। इस वजह से महंगाई हो रही है। बस सांस लेना ही बाकी है, चिंता ना करो, एक बारी और आ गए तो उस पर भी लग जाएगा टैक्स। अब ये आइडिया मत दो, वो सुन लेंगे। सब चीजों पे टैक्स लगा दिया जी। भी पिछले थोड़े दिन पहले इन्होंने छाछ पे टैक्स लगा दिया, दही पे टैक्स लगा दिया, गेहूं पे टैक्स लगा दिया, चावल पे टैक्स लगा दिया, शहद पे टैक्स लगा दिया, हर चीज पे, खाने पीने की हर चीज पे टैक्स लगा दिया। भाई साहब अंग्रेजों ने भी खाने पीने की चीजों पे टैक्स नहीं लगाया था। तो ये इतना लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया जो इनका ये टैक्स जो आप देते हो, रोटी पे देते हो, चावल पे देते हो, ये कहां जाता है? ये सारा पैसा इनके सरकार के पास जाता है। और सरकार इस अरबों खरबों रुपए का क्या करती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई आपके इलाके में कोई सड़क बनी हो पिछले 5-7 साल में, कोई स्कूल बनाओ, कोई अस्पताल बनाओ, कोई सरकारी काम हुआ हो, कोई दूर दूर तक सरकारी काम दिखाई नहीं देता? तो ये अरबों खरबों रुपया जा कहां रहा है? ये जा रहा है इनके दोस्तों की जेब में।